इस पर मैंने एक क्लैंप वेल्डिंग मारा, उसमें जो हमारा आगे का हेडलाइट फिट होगा, एक बार मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मडगार्ड और साइड लाइट की बात करें तो यहाँ पे ये मैं यूज करने वाला, तो ये जो मडगार्ड मैंने यूज किया है ये मैं पीछे यूज करूंगा और ये वाला आगे यूज करूंगा। ये मैंने सीडी 100 का यूज किया है आगे वाले टायर का, और ये जो दो लाइट है ये भी सीडी 100 का ही है। और यहाँ पे ये मडगार्ड की बात करें, ये जो है मैंने ये क्या किया, हमारे पास एक डेंट पड़ा हुआ एक मडगार्ड था जो यूज में नहीं था, तो उसके आगे वाला पोर्शन जो था मैंने कट करके निकाल दिया। इस तरह देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कट करके निकाल दिया। ये वाले मडगार्ड को मैं आगे लगाने वाला हूँ जिससे लुक थोड़ा अच्छा मिलेगा, और ये पीछे फिट करने वाला, ये भी पीछे फिट करने वाला। मैं आपको फिट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आगे का मडगार्ड जो फिट हो गया है, तो काफी अच्छा लुक जो मिल रहा है। पीछे का मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मडगार्ड को फिट करने के लिए यहाँ पे मैंने दो क्लैंप रखा है, एक क्लैंप ये है हमारा, एक क्लैंप है यहाँ पे, एक नट टाइट होगा यहाँ पे, जिससे क्या है कि अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा और बिल्कुल हिलेगा नहीं। एक बार मैं हो चुका है इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो नट बोल्ट भी लगा दिया, एक नट बोल्ट हमने यहाँ पे लगाया, दूसरा यहाँ पे लगाया, तो काफी अच्छे तरीके से फिट हो गया। अभी हिलाने पे भी ये नहीं हिलता है। मैं आपको साइड लाइट फिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि मडगार्ड के नीचे यहाँ पे इस साइड हमने एक यहाँ पे नट वेल्डिंग मारा, इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा साइड लाइट लगेगा, तो ये नट एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने वेल्डिंग मार दिया है, चूड़ी इसके अंदर बराबर है। एक बार मैं आपको साइड लाइट फिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम वायर अंदर डाल देंगे, वायर डालने के बाद जो हमारी लाइट है उसको हम यहाँ से ऐसे घुमा घुमा के टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा साइड लाइट जो यहाँ पे इस तरह फिट हो चुका है। तो पीछे का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह जो लुक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरऑल जो हमारा काम जो लगभग था वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने आगे मडगार्ड फिट कर दिया, यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। ये हमारा आगे का हेडलाइट, हेडलाइट के बाद यहाँ पे ये हमारा डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद ये हमारा साइड मिरर यहाँ पे हो चुका है दोनों साइड में। साइड मिरर के बाद यहाँ पे हमने फुटरेस्ट का क्लैंप भी लगा दिया है। उसके बाद ये हमारा बैटरी बॉक्स बन गया है। बैटरी बॉक्स बनने के बाद ये हमारा सीट का प्लेट लग गया है। सीट का प्लेट लगने के बाद शॉकअप तो पहले ही वीडियो में लग गया था, और ये हमारा साइड लाइट लग चुका है, पीछे का मडगार्ड लग चुका है। फाइनली हमारा ओवरऑल देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारा कट था और थोड़े बहुत गैपिंग थे उसको हमने पुट्टी से भर दिया। अब इसको हम क्लीन करके इसके ऊपर जो है प्राइमर लगाएंगे। तो पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद प्राइमर लगा के कलर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लगभग सारा पार्ट्स जो कलर हो चुका है। ये हमारा फ्रेम हो गया है, फ्रेम के बाद ये हमारा हैंडल, ये हमारा सीट, ये बैटरी बॉक्स, कंट्रोलर बॉक्स, ये हमारा पीछे का चिपिया, और बाकी ये सारे एसेसरीज जो इसमें लगेंगे वो सब यहाँ पे रखे हुए थे। एक बार मैं आपको पूरा फिट करके दिखा देता हूँ।